चलिए जी, ब्रेक खत्म हो गया, काम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बना रहा हूं पति नंबर वन। भाई मैं सिर्फ खाने में बना सकता हूं, बाकी कार्य आपको करने हैं। मैं आपको खाने के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया टिप्स दे सकता हूं, उससे आप खाना बढ़िया बना सकते हैं। और ये जो रेसिपीज बन रही है, अगर ये बना के खिलाए आपने तो डेफिनेटली नंबर वन बन जाएंगे। अब एक इंग्रेडिएंट बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, बच्चों को पसंद भी आती है और पत्नियों को भी पसंद आती है और मज़ेदार भी है। इट्स कॉल्ड क्वीन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कैप्सिकम। और मुझे लगता है कि आपने अगर अपने क्वीन को इम्प्रेस करना है तो कैप्सिकम का यूज़ करना बड़ा ज़रूरी। हम बना रहे हैं कैप्सिकम चिकन। इसके लिए क्या करना मैं आपको बताता हूँ। ये तेल ले लिया। अच्छा, इस डिश में क्या है मैं आपको बता दूँ कि जनरली हम कैप्सिकम को बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, लेकिन यहाँ पर फुल ऑन पकाएंगे, ठीक है जी? क्योंकि कैप्सिकम जब गल जाएगा तब इसका मज़ा आएगा। ये लीजिए, अब इसमें लहसुन डाल दिया जी, चॉप, सुंदर सा अदकर जैसे मेरी बेबे कहा करती है, ठीक है जी? साथ साथ हरी मिर्चें, अब चिकन ब्रेस्ट ले लेते हैं, सिर्फ चिकन ब्रेस्ट, और इस तरह से काटना है आपने, ठीक है जी? छोटे छोटे पीसेस ले लें, ये इसमें डाल देना है। ये लीजिए, हाँ हाँ हाँ, चिकन को भूनेंगे अच्छे से और साथ साथ आई विल ऐड द कैप्सिकम्स। जैसे मैंने बताया कि कैप्सिकम साथ में पकाना है मुझे, दोनों को ऐसे पकाना है कि दोनों गल जाएं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप खाना बनाना सीख रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं, एक आध इंग्रेडिएंट जो है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड ले लें। जैसे यहाँ कैप्सिकम लिया है हमने, हल्दी पाउडर, मसाले बिल्कुल बेसिक होने चाहिए, ठीक है जी? ताकि वो समझ में आ जाए आपके परिवार को कि यूज़ सिंप्लिसिटी वाले चीज़ें हैं जो वो यूज़ किए। हल्दी डल गई, एक चौथाई छोटा चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला एक छोटा चम्मच, पूर्ण करिए, नमक शमक, ये तो बच्चों के साथ करिएगा प्लीज़। ओ जी नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक, ये लीजिए, ये डल गया, दिस इज बिकम इम्प्रेसिव। फाइनली प्याज, ये मैं लास्ट में डाल रहा हूँ, आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे प्याज जो है ना बिल्कुल थोड़े से क्रिस्प रखने हैं। पानी बिल्कुल नहीं यूज करना, क्योंकि पानी यूज किया तो सारा टेस्ट खराब हो जाएगा, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। लास्टली आधा नींबू का रस डालें, बहुत ज़्यादा नहीं, ये लीजिए, धनिए को मोटा मोटा चॉप कर लें, ये डाल लेते हैं, और देयर यू गो, कैप्सिकम चिकन। और हेलो जी, खाना तो आप बना लेंगे, अगर खाना कहीं 19-20 हो गया, किचन साफ मिला, तो वो 19 पॉइंट जो है ना वो 20 बन जाते हैं। ये भी एक टिप है, इसको ध्यान में रखिएगा, ताकि आप जो है ना इंप्रेस करने में कहीं पे भी नंबर पॉइंट्स खोए नहीं, ठीक है जी? फ्लेवर कैप्सिकम और प्याज का इतना बढ़िया, ना पूछिए मत। और टूथपिक लीजिए, परिवार सारा मिलके बैठ के खाना खाइए टूथपिक के साथ, मजा आ जाएगा। कीप डिस्कसिंग, कीप एंजॉइंग। कैप्सिकम चिकन बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन के गोल्डन होने तक भून लें। फिर चिकन को स्लाइस करें और पैन में डालकर अच्छे से मिला लें। फिर डालें शिमला मिर्च, मिलाएं और एक मिनट तक पका लें। फिर डालें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक और अच्छे से मिला लें और दो मिनट तक पका लें। फिर डालें प्याज, मिलाएं और एक मिनट तक पकाएं। फिर डालें नींबू का रस। अब धनिया के डंठल काटे और पैन में डालकर टॉस कर मिला लीजिए और इसे गर्मा गर्म परोसे। ओ जी, अब बनाएंगे रोज कैरमल कस्टर्ड।